आज ननद के घर में सेकंड डे है, हम आज जा रहे हैं, आज चैतन्य महाप्रभु आएंगे, आज फाइनली महोत्सव है, कल उनका राइस सेरेमनी था, कल भी भगवान जी आए थे तो हरिनाम संकीर्तन हुआ था वो, और आज है जो बड़ा महोत्सव है वो आज है, आज चैतन्य महाप्रभु आएंगे वहाँ पर, बहुत महोत्सव होगा, बहुत सारे मौजे भी होंगे, हम लोग अभी निकल रहे हैं, नंदिनी भी रेडी हो गई है। बिंदा को देखो, इसका मूड ठीक नहीं है, वो रूट गया है, इसका तबीयत भी ठीक नहीं, दो दिन से ना आज ठीक से ना नहीं खा भी नहीं रही है। देखो तो हम लोग ननद के घर पहुंच चुके हैं, यहाँ पर महाप्रभु आ गए थे, मतलब चैतन्य महाप्रभु जो पाया चैतन्य है ना हमारा यहाँ का, ये बहुत ही प्रसिद्ध है, इनका दर्शन ना बार बार नहीं मिलता, कभी कभी इनकी कृपा से ना दर्शन मिलता है, तो इनको लाने के लिए ना आपको एक साल पहले बुक करना होता है, तो बहुत नियम है कानून है इनको लाने के लिए, तो वो आए थे तो इनका दर्शन कर लो कि नहीं, हम लोग स्पेशल कलकत्ता से यहाँ आए थे तो इनको देख के ना मन भर जाता है, इतना मन को शांति मिलती है, मैं क्या बताऊँ, आप भी खुद इनको देख लो तो आपको ही पता लगेगा कि इनका इतना क्यों ये स्पेशल है।
तो भगवान जी का प्रसाद चढ़ाने के बाद ना गांव के सारे लोग प्रसाद पा रहे थे, तो हम लोग भी ना प्रसाद खाने चले हैं। यहाँ पर प्रसाद में स्पेशली जो होता है ना कद्दू का सब्जी होता है, हम लोग जो घंटा कहते हैं ना वो तो महाप्रभु के पास लगता ही है, और प्रसाद लगाने के बाद उसका टेस्ट जो है ना दुगना बढ़ जाता है, तो बहुत अच्छा लगता है। तो हम लोग उस खा के ना जल्दी जल्दी निकल आए। छोटी लड़की बहुत ही ज़्यादा रो रही थी, नहीं खा रहा था, तो हम लोग ना उसी दिन कलकत्ता के लिए वहाँ से निकल आए। आपके साथ ब्लॉग को शेयर करना था तो मैंने शेयर किया। आप लोग को हमारा ब्लॉग कैसा लगता है? अगर आपको हमारा ब्लॉग अच्छा लगता है तो प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब करना मत भूलना।